जिस सिस्टर का नाम जसबीर कौर है और जो वल्ला गांव के रहने वाले हैं, जिस सिस्टर की गवाही ये है कि जिस सिस्टर बताते हैं कि कुछ दिन पहले जिस सिस्टर के पेट में रात को बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे और जिस सिस्टर ने प्रभु के दास के साथ जैसे बात की और प्रार्थना की गई, वो दर्द उस समय तो रुक चुकी थी पर जैसे सुबह फिर से वही दर्द बहुत तेज स्टार्ट हो चुकी थी। और फिर जिस सिस्टर ने ऐसे डॉक्टर के पास गए और अल्ट्रासाउंड कराया और हम उस रिपोर्ट्स को देखेंगे और जो फर्स्ट रिपोर्ट्स इस अल्ट्रासाउंड को जैसे किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पित्ते में पथरी है जो कि टूट चुकी है और टुकड़ों में है और जो बहुत प्रॉब्लम बढ़ी है, इसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है, इसके लिए आपको जल्दी ऑपरेट कराना पड़ेगा फिर ये प्रॉब्लम अच्छी हो सकती है। तो जैसे ही जो सिस्टर ने ऐसे फिर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया और उसने इनको बताया कि ऐसे आप 5 दिन की मेडिसिन लो और पहले इस मेडिसिन को खाओ और फिर दोबारा मेरे पास आना। और जैसे ही सिस्टर ने 5 दिन की मेडिसिन तो खा ली और उसके बाद जब फिर से डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला कि 5 दिन की और मेडिसिन लो, पर उस समय सिस्टर ने मेडिसिन तो नहीं ली, जब घर में आ गए और जिनके बेटा है उन्होंने बोला कि मम्मी आप मेडिसिन नहीं लोगे, प्रभु आपके लिए कर सकते हैं और जो इस मेडिसिन के पैसे हम बीज में डाल देंगे और निश्चय परमेश्वर आपको अच्छा करेंगे। और जैसे ही जिस संगति में विश्वास के साथ आए और उस दिन संडे की मीटिंग में ऐसे फॉर्म फिल किए जा रहे थे और जिस सिस्टर ने अपना फॉर्म फिल कराया इस प्रॉब्लम के लिए, और सबसे पहले हम उस लेहैंड को देखेंगे। और जैसे ही जिस शिष्य के ऊपर प्रभु के दास के द्वारा ले प्रार्थना हुई और उसके बाद जब जे संगति के बाद वापस गए और नेक्स्ट सिस्टर ने फिर से रिपोर्ट कराई, हम उस रिपोर्ट्स को भी देखेंगे। और अब जी जो रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जो पित्ते में पथरी बताई ही डॉक्टर ने, आज परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से जिस सिस्टर को टोटली फ्री कर चुके। हम सब तारीफ करेंगे क्लेसिया। सुनो जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया वो तो खुश हैं, आप भी हो। सच में आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर महान है क्या वो? इसलिए बाइबल बताती कि जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, जैसे दाऊद ने कहा मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली, फिर उसने कहा जितनों औरों ने भी उसकी ओर दृष्टि अपने मुख को उसकी ओर अपने ध्यान को उसकी ओर लगाया, हाँ, तो वो उनके मुंह कभी क्या नहीं होंगे, काले नहीं होंगे। अगर इन्होंने अपना विश्वास दिया परमेश्वर को, हाँ, समझ आ रही है? अगर अपना विश्वास दिया, बेटे ने कहा कि मम्मा अब 5 दिन की मेडिसिन खा ली और 5 दिन की और, पहले डॉक्टर ने तो क्या कहा कि इसका कोई मेडिसिन से इलाज नहीं है, इसका ऑपरेट ही होगा, ऑपरेशन, क्योंकि ये पथरी टूट चुकी है और पित्ते में ये टुकड़ों में हो चुकी है और इसका ऑपरेशन होगा, क्योंकि टूटने से पथरी पित्ते में टूटने से उसके इतने टुकड़े हो गए और पित्ते में इतनी सूजन आ गई जिससे वो दर्द रुक नहीं रही थी। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास गए और दूसरे ने 5 दिन की दवाई ली, 5 दिन से कुछ नहीं हुआ, फिर उसने कहा 5 दिन और का, तब इन्होंने फैसला लिया कि नहीं अब हम ऐसा नहीं करेंगे। और जैसे फैसला लिया, जैसे मन बनाया और जैसे विश्वास के साथ इस संडे आए और खुदा ने क्या किया, फ्री किया। और वो हर एक को करना चाहता है, क्योंकि यीशु ने किसी एक के लिए नहीं पूरे जगत के लिए अपना बलिदान दिया है। आमेन। मैंने कहा उसका बलिदान एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। आप जितने लोग आज आए हो आपके लिए भी है। अगर आप में से किसी की ऐसी प्रॉब्लम है तो इस गवाही को विश्वास से रिसीव करो
आप भी गवाही से आने वाले हो। मैंने कहा आप भी गवाही से आने वाले हो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो कौन है? यीशु कौन है? डॉक्टर जीसस, डॉक्टरों का डॉक्टर, डॉक्टर जीसस। तारीफ करो उस डॉक्टर के लिए, डॉक्टर जीसस के लिए, जो बिना ऑपरेशन से भी क्या करता है? अपने बड़े कामों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू।